गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? वेल्डिंग मेथड के बारे में जानने वाले हैं। वेल्डिंग मेथड हमारा क्या है, वेल्डिंग करने का प्रोसेस हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वेल्डिंग मेथड क्या कार्य के अनुसार, पर्पस के अनुसार हमारा क्या होता है, वेल्डिंग अलग अलग प्रोसेस से हम लोग करते हैं। जब हमें जिस प्रकार की वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ती है उस प्रकार से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी वेल्डिंग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के दौरान हम लोग वेल्डिंग, जैसे ये दो वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है, हम लोग वेल्डिंग इधर से भी करते हुए यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर भी जाते हैं। कभी वेल्डिंग हम लोग इधर से करते हुए राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, कभी वेल्डिंग हम लोग इधर से नीचे से करते हुए ऊपर की ओर भी जाते हैं। क्या होता है, नीचे से करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। ये सब का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं, बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं, और फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कितने एमएम तक के थिकनेस का मेटल पर ये इस प्रकार से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए वेल्डिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। राइट से लेफ्ट की ओर जब आएंगे तब हम कितने एमएम तक के थिकनेस वाले वर्कपीस पर वर्क कर सकते हैं, और बॉटम से टॉप जाएंगे तब कितने एमएम तक के थिकनेस वाले मेटल पे हम लोग ये ऑपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या चीज का? वेल्डिंग मेथड। तो वेल्डिंग क्या है, इसको वेल्डिंग हम लोग किसको बोलते हैं, गैस वेल्डिंग प्राय क्या होता है हमारा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा किस वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के ही मेथड के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, गैस वेल्डिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो गैस वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, जनरली ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कितने टाइप्स में पाए जाते हैं, तीन टाइप्स में हमारे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके टाइप्स को हम लोग नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसके टाइप्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें आसानी से नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला नंबर हम लोग लिखते हैं लेफ्टवर्ड, पहला हमारा क्या हो गया लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, दूसरा हमारा क्या हो गया राइटवर्ड वेल्डिंग, तीसरा हो गया हमारा वर्टिकल वेल्डिंग। आज हम लोग जिस मेथड पे बात करने वाले हैं ये हमारा मेथड यही है। कौन कौन सा, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, राइटवर्ड वेल्डिंग और वर्टिकल वेल्डिंग। इसमें हम लोग किस मेथड में हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से मेथड में, कौन से हैंड में हम लोग ब्लो पाइप को पकड़ेंगे, कौन से हैंड में हम लोग इलेक्ट्रोड पकड़ेंगे, इसी के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में क्या होता है हमारा, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को फॉरवर्ड वेल्डिंग भी हम लोग बोलते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वेल्डिंग भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग इसका डिटेल्स में जानने का कोशिश कर। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग हमारा एक ऐसा मेथड या ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रोड को क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड को या फिर फिलर रॉड को फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में और दूसरा ब्लो पाइप को लेफ्टवर्ड मेथड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, पिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं और ब्लो पाइप को राइट हैंड में, जो एक सही कार्य करने का पोजीशन होता है। जैसे जो राइट हैंड होता है उसके लिए काम करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम राइट हैंड वर्क कर सकते हैं, दाहिना हाथ से कोई भी डायरेक्शन में हैंड को मूव कर सकते हैं, जितना फ्रीली से उतना फ्रीली से हम लोग लेफ्ट हैंड को नहीं मूव कर पाएंगे। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब हम राइट हैंड के व्यक्ति होते हैं तो क्या करेंगे, राइट हैंड में ब्लो पाइप या टॉर्च, जिसमें क्या होता है गैस का फ्लेम निकलता है, क्या होता है ब्लो पाइप लगा हुआ होता है फ्लेम जिससे हमारा बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिलर रॉड को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, जहां पे उनको रॉड फिल करना होगा वहां पे देंगे। तो उससे क्या होगा, ये डायरेक्शन निर्धारित नहीं कर रहा, पर ये डायरेक्शन निर्धारित करेगा कि किस डायरेक्शन में हमको वेल्डिंग करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। इसीलिए उसको हम लोग जिस हैंड का व्यक्ति होता है उस हैंड में उसको पकड़ना चाहिए। हम लोग राइट हैंड के व्यक्ति होते हैं तो राइट हैंड में क्या करते हैं, हम लोग ब्लो पाइप को हम लोग पकड़ देते हैं, फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में। अब क्या बोल रहा है हमारा, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है, तो लेफ्ट वर्ड में हम लोग क्या होगा, राइट की ओर से लेफ्ट की ओर आएंगे वेल्डिंग करते हुए। जैसे जैसे ये हमारा जॉब हो गया, ठीक है, यहीं पे बस ध्यान से देना है, ये मेरा वर्क पीस हो, इसको हमको वेल्डिंग करना है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, ब्लो पाइप को राइट हैंड। अब हम लोग जो वेल्डिंग ऑपरेशन करेंगे इसमें राइट की ओर से, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये डायरेक्शन जो हमारा है, और ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, राइट राइट हो गया। अब राइट से लेफ्ट की ओर ये वेल्डिंग ऑपरेशन क्या करेंगे, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर आ जाएंगे। तो ऐसे आने वाली ऑपरेशन को यहां हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से राइट से लेफ्ट की ओर क्या हो रहा, राइट से लेफ्ट की ओर वेल्डिंग अगर करते हुए हम आते हैं तो उस मेथड उस प्रक्रिया उस प्रोसेस को हम लोग लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी मेथड ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन को राइट से करते हुए लेफ्ट की ओर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग या फिर फॉरवर्ड वेल्डिंग भी हम लोग इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं। इसमें हम लोग अधिक से अधिक 6 mm, कितना अधिक से अधिक 6 mm, अधिक से अधिक 6 mm तक के थिकनेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस वाले जॉब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अधिक से अधिक 6 mm तक वाले थिकनेस वाले जॉब पे हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं और वेल्डिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। किस प्रोसेस से, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग प्रोसेस से। अगर 6 mm से ज्यादा हमारा हुआ तो हमको कहाँ जाना होगा, राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड, राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड के वहां पे प्रयोग करते हुए 6 mm से अधिक वाले मटेरियल पे हम लोग काम करेंगे। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हम लोग कितना mm तक के थिकनेस को काम कर सकते हैं, 6 mm या फिर उससे कम, 6 mm या फिर उससे कम साइज के जॉब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं,
लेफ्ट वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। अब चलते हैं राइट वर्ड वेल्डिंग। राइट वर्ड वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें भी सेम हो जाएगा हमारा जो ये फिलर रॉड है, फिलर रॉड लेफ्ट हैंड में ही रहेगा, लेफ्ट हैंड में ही रहेगा। और क्या होगा, ब्लो पाइप, ब्लो पाइप हमारा क्या होगा, राइट हैंड में ही रहेगा, ब्लो पाइप हमारा क्या होगा, राइट हैंड में ही रहेगा। और ये वेल्डिंग ऑपरेशन को क्या करेगा, पूरा करेगा। इसमें जब ऑपरेशन हम लोग करेंगे, इसमें हमारा क्या हो रहा था, लेफ्ट वेल्डिंग में हम लोग लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट मतलब इधर से इधर, यानी कि वेल्डिंग ऑपरेशन हम लोग इधर से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइटवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होगा, हम लेफ्ट से राइट की ओर वेल्डिंग ऑपरेशन करते हुए जाएंगे, और इसमें 6 mm या फिर उससे अधिक, 6 mm या फिर उससे अधिक थिकनेस वाले 6 mm या फिर उससे अधिक थिकनेस वाले मेटल पर ऑपरेशन करने में हम प्रयोग में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग। और एक बार देखते हैं राइट वर्ड वेल्डिंग हम लोग किसको बोलते हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग जिसमें फिलर रॉड को हम लोग लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, ब्लो पाइप को राइट हैंड में पकड़ते हैं, पर वेल्डिंग ऑपरेशन जो हम लोग इसमें करेंगे, इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग में लेफ्ट से वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे और राइट की ओर जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 mm या फिर उससे अधिक थिकनेस वाले मेटल पे वर्कपीस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड और ब्लो पाइप को राइट हैंड, ब्लो पाइप को राइट हैंड में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और इसमें वेल्डिंग ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे, सो बॉटम से टॉप की ओर करेंगे, बॉटम से टॉप की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम से टॉप की ओर, इस प्रकार से हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन को इसमें करके पूरा करेंगे, बॉटम से टॉप की ओर। और ये हमारा क्या हो गया, बॉटम से टॉप की ओर वेल्डिंग ऑपरेशन करेंगे, इसमें वर्कपीस का पोजीशन क्या होता है, वर्कपीस का पोजीशन हमेशा वर्टिकल रखना चाहिए, वर्कपीस का पोजीशन हमेशा कैसा रखना चाहिए, हमको वर्टिकल रखना चाहिए, अगर आप वर्टिकल पोजीशन में नहीं रखेंगे तो ये ऑपरेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल वेल्डिंग मेथड में क्या होगा, फिलर रॉड को हम लोग लेफ्ट हैंड में ही पकड़ते हैं, ब्लो पाइप को राइट हैंड में पकड़ते हैं, इसमें वेल्डिंग करने की प्रक्रिया बॉटम से टॉप की ओर होती है, इसको ऑपरेशन करने के टाइम में हमारा वर्कपीस क्या होना चाहिए, वर्टिकल वर्कपीस हमारा क्या होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। एक बार इसका पूरा आज की क्लास का समरी देख लेते हैं, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोग का आज का क्लास का जो टॉपिक था, वेल्डिंग मेथड, वेल्डिंग करने की प्रक्रिया, किस किस प्रक्रिया से हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हम जो बात कर रहे हैं गैस वेल्डिंग का बात कर रहे हैं, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस मेथड प्रयोग में लाते हैं। पहला आ जाता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा राइटवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस। तो पहला लेफ्टवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, ब्लो पाइप को राइट हैंड में पकड़ते हैं, और वेल्डिंग ऑपरेशन जो इसमें करते हैं, सो राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्टवर्ड में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर, जस्ट अपोजिट, लेफ्टवर्ड बात करेगा तो राइट से लेफ्ट आएंगे, राइटवर्ड बात करेगा तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इसमें आप लोग अधिक से अधिक 6 mm तक के थिकनेस वाले शीट को आपस में
या फिर वर्कपीस को जोड़ने के लिए वेल्डिंग ऑपरेशन हम लोग लेफ्टवर्ड प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन वही 6 mm से अधिक थिकनेस वाले सीट वर्कपीस जॉब को जोड़ने का जरूरत पड़ता है, तो हमको राइटवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ जाएगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 6 mm या फिर उससे अधिक थिकनेस वाले प्रोसेस में लेफ्ट से राइट की ओर वेल्डिंग ऑपरेशन करते हुए उस प्रोसेस को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तीसरा हमारा हो गया वर्टिकल वेल्डिंग, इसमें फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, ग्लो पाइप को राइट हैंड में पकड़ते हैं, लेकिन वेल्डिंग करने की प्रक्रिया वेल्डिंग पोजिशन क्या होता है हमारा वर्टिकली होगा, इसमें बॉटम से स्टार्ट करके टॉप की ओर हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था वेल्डिंग मेथड या फिर वेल्डिंग प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बताए हैं सारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।